अपडेट के बारे में बच्चों अभी बताऊंगा आपको, लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको अनसीन पैसेज सॉल्व कैसे करना है। वो वाला तरीका छोड़ दो, पहले आप क्वेश्चन पढ़ देते कि फिर सॉल्व करते, नहीं आपको 10 से 10:30 का टाइम मिलेगा, उसके बाद 15 मिनट आपको आंसर शीट के अंदर अपना डिटेल्स फिल करनी है, नेम, रोल नंबर, क्या वगैरह वगैरह जो कुछ भी है, ठीक है। 15 मिनट मैंने हार्डली बहुत ज़्यादा बोल दिया है, क्योंकि जो बच्चा पहली बार देखेगा आंसर शीट उसको 15 मिनट लगेगी। हार्डली आप लोगों को तो पता होगा कैसे आंसर शीट आएगा, नहीं पता है आप चैनल पर जाकर मेरी वीडियो देख सकते हो, लास्ट में वीडियो मिल जाएगी वहाँ से भी देख लेना। 10 मिनट के अंदर आपको आंसर शीट फिल कर लेनी है, बाकी के 20 मिनट 10 से 10:30 का टाइम मिलता है क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए और आंसर शीट को फिल करने के लिए। उसके अंदर 10 मिनट आपको आंसर शीट फिल करनी है, बाकी के 20 मिनट में से 5 मिनट आपको पूरा पेपर पढ़ लेना है, आपको डिसाइड कर लेना कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं कौन से क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं, और बाकी के 15 मिनट बचे उसके अंदर आपको पहला पैसेज उठा लेना है। 2 पैसेज मिलेंगे, पहला पैसेज उठा लेना है, पहले पैसेज को थ्रू आउट द रीडिंग कर देनी है, एक नॉर्मल रीडिंग जैसे करते हैं, एक एक लाइन को समझ समझ के आराम से रीडिंग कर लेनी है। उसके बाद आपको उसका जिस्ट समझना है, जिस्ट मीन्स होता है सेंट्रल आइडिया या फिर थीम, आपको थीम समझनी है कि किस थीम के ऊपर ये पैसेज बेस्ड है, एंड देन उसके बाद आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं। क्वेश्चन पढ़ोगे आपको समझ में आएगा क्या आंसर लिखना है, कहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर अवेलेबल है उस पैसेज के अंदर। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है, यही तो अपडेट है, CBSE ने अपनी मार्किंग इसके अंदर क्लियरली स्पेसिफाई कर रखा है कि वो फोकस करेगी बच्चों की आंसर क्रिएटिंग या आंसर फॉर्मेशन टेक्निक के ऊपर, वो नहीं देखेगी कि आपने डायरेक्टली वहाँ से उठा के कॉपी कर दिया, ये नहीं करना है। ये करोगे नंबर नहीं मिलेगा, आपको वहाँ से आंसर देखना है ये आंसर, लेकिन उसको अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज करके क्रिएट करके करना है। करना कैसे है, पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, आपने पैसेज तो ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने का तो उसको माइंड में अपने आंसर सोचो, हिंदी में, हिंदी में सोचो, नॉर्मल हिंदी में इसका आंसर क्या होना चाहिए, फिर उसको ही अपनी लैंग्वेज के अंदर चेंज करके लिख दो। एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर उसके अंदर कोई कीवर्ड स्पेशल वर्ड यूज़ हो रहा है, आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको कोई एक लगेगा कि हाँ ये वर्ड स्पेशल है, तो इसको उस वर्ड को उस आंसर में इंक्लूड जरूर करना है, ठीक है। बाकी ये ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।